और वहाँ बैठे हैं भोलेनाथ, और नीचे केदार घाटी देख लो आप, है ना। तो लोग आ रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, मौसम खुला है या नहीं खुला? ओ, बिल्कुल एंजॉय करो, भगवान की कृपा इसलिए आप आए हैं। हाँ, मौसम खुल गया ना, मौसम खुल गया पूरे, बहुत अच्छी तरीके से मौसम खुल चुका है, आप कोई भी आ सकता है। बहुत सारे लोगों का सवाल आया था कि मंदिर के पास होटल कैसे बुक करें। स्वागत है गाइस आपका एक और नए ब्लॉग में। आज का जो मौसम है ना, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि आज इतनी तेज धूप निकली है, लोग मंदाकिनी नदी का इतना ठंडा पानी उसमें नहा ले रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा मौसम है। और अभी हूँ मैं मंदिर के ठीक सामने, जो यहाँ पे ये सर्किल सा है ना, गोल चक्कर जैसे बोलते हो, तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे बन रहा है ओम, तो काफ़ी बड़ा ओम बन रहा है आप देख सकते हो, और ये वहाँ पे फिक्स होगा बन के। पहले यहाँ पे बना के जोड़ दिया जाएगा पूरा अच्छे से, और उसके बाद यहाँ लग जाएगा। जब यहाँ लगने के बाद कंप्लीट हो जाएगा ना, बनने के बाद फिर सामने होगा केदारनाथ बाबा का टेंपल, और यहाँ पे दिखाई देगा ओम आपको बहुत बड़ा यहाँ पे, तो आप सोच सकते हो नज़ारा कैसा होने वाला है, खाने पीने की क्या जुगाड़ है वहाँ पे, मतलब क्या सिस्टम है। तो सामने आप टेंपल देख लो, वहाँ पे भोलेनाथ का टेंपल है, और यहाँ देख लो भोला जो रेस्टोरेंट है वो यहाँ सामने रेस्टोरेंट है, और इसके ऊपर में होटल वगैरह है, आपको रूम वगैरह चाहिए तो वो मिल जाएगा यहाँ पे, आपको यहाँ ऑफलाइन आके करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का सवाल आया था कि मंदिर के पास होटल कैसे बुक करें, ठीक है, तो वो मैं बताता हूँ आपको कि कैसे बुक करेंगे। तो गाइस सामने जो देख रहे हो ना आप, सामने लिखा हुआ है बंगाल गेस्ट हाउस, यहाँ पे आपको मिलेगा रूम, यहाँ पे ये रूम है, काम चल रहा है अभी साफ सफाई का, तो ये जो रूम है ये है आपका 9000 का, इसमें चार लोग आएंगे, देख सकते हो तीन इधर एक उधर, मतलब वॉशरूम वगैरह भी है जो काफ़ी साफ है, देख सकते हो, ये देखो गीजर वगैरह लगा हुआ है। ये है आपका 9000 रुपये का रूम चार लोग के लिए, ठीक है, गेस्ट हाउस का नाम याद रखना बंगाल गेस्ट हाउस। तो रूम आपको 12000 रुपये में पड़ेगा, ये देख लो इसके अंदर 6 बेड पड़े हैं, आप लोग चार लोग आ रहे हो, पांच लोग आ रहे हो, आठ लोग, कितने भी आओ, इस पर ही एडजस्ट करना पड़ेगा, एक रूम रहेगा 12000 का। उसके बाद यहाँ देखो ये वॉशरूम है, काफ़ी बड़ा है, और यहाँ गीजर लगा हुआ है देख सकते हो, ठीक है, रूम 12000 का है। और गाइस एक बात और है, आपको अगर होटल बुक करना है तो पूरा पेमेंट पहले करना पड़ेगा, और अगर आप कैंसिल कर रहे हो तो कैंसिलेशन का जो रिफंड होगा वो नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, यात्रा बंद हो जाती है, आप नहीं आ पा रहे हो, तो आपका रिफंड हो जाएगा, वरना रिफंड नहीं होगा, इतना बात का याद रखना। और जो मैं तीन कॉन्टैक्ट नंबर डालूंगा वो डिस्क्रिप्शन में देख लेना। और गाइस ये जो आप स्लिप देख रहे हो ना, आप जब पेमेंट कर दोगे तो आपको इस तरीके की स्लिप जो है ना आपको व्हाट्सअप की जाएगी, जब पेमेंट होने के बाद यहाँ पे लिखा रहेगा बंगाल गेस्ट हाउस, बुकिंग वाली पर्ची जो स्लिप व्हाट्सअप की गई होगी वो आपको दिखानी पड़ेगी, तो ही आप एंट्री कर सकते हो यहाँ पे, चेक इन कर सकते हो मतलब, ठीक है। तो गाइस एक फैमिली मिली थी जो कि अहमदाबाद से आई हुई है, गुजरात मतलब, ठीक है, तो मिलवाता हूँ उनसे। तो कैसा लगा यहाँ के? बहुत अमेजिंग। ओके, तो आप दो लोग साथ में? पाँच लोग है, मेरी डॉटर भी है ये रही। अच्छा, इनकी बेटी भी है, तो ट्रैकिंग करने में कोई प्रॉब्लम हुई क्या? और जो लोग आ रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, मौसम खुला है या नहीं खुला? एंजॉय करो, भगवान की कृपा इसलिए आप आए हैं। हाँ, मौसम खुल गया ना, मौसम खुल गया पूरे, बहुत अच्छी तरीके से मौसम खुल चुका है, आप कोई भी आ सकता है, बिल्कुल। हरत महादेव, हरत महादेव। इस मंदिर की सीढ़ियों पे चल रहा है अभी भंडारा, तो मैं आपको भंडारा दिखाता हूँ, यहाँ देख लो गाइस ये भंडारा चल रहा है, तो ये देख लो काफ़ी बढ़िया है, आपको यहाँ पे भंडारे मिल जाएंगे, काफ़ी दो से तीन भंडारे हैं जो चल रहे हैं यहाँ पे, और आज तो मैं सीढ़ियों पे देख रहा हूँ पहली बार, तो ये काफ़ी अच्छा है, जो लोग लाइन में लगे हैं उनको भूख लग जाती है, तो उनको वो लोग आसानी से भी खा सकते हैं, मिल सकते हैं, मतलब ले सकते हैं भंडारा। और गाइस भंडारे की भी लाइन काफ़ी लंबी हो गई है। तो गाइस आज जो है ना मंदिर के पास में ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, लोग ने क्या किया है, लोगों ने लाइन से निकल के और भगदड़ करने शुरू कर दी है, देखो। देखो यहाँ पे जहाँ एक लाइन होती थी कैसे भीड़ की इकट्ठी कर दी इन लोगों ने, और आज प्रॉब्लम हो रही है इसलिए, ये पीछे जो देख रहे हो इसलिए भीड़ हो गई, क्योंकि यहाँ पे होता है टोकन चेक, टोकन चेक होने के बाद आपको सिंगल लाइन में कर दिया जाएगा, यहाँ से सिंगल लाइन बना दी है, ठीक है, बड़ी आसानी से दर्शन हो जाते हैं, लेकिन लोग थोड़ा शांति नहीं रखते ना इसलिए। तो फाइनली पहुँच गया हूँ मैं मंदिर के पास, लोग तो दर्शन कर ही रहे हैं देख रहे हो, और धूप अच्छी निकलने की वजह से लोग यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं, धूप ले रहे हैं, धूप के मजे ले रहे हैं। तो चलो मंदिर के दर्शन करा देता हूँ पहले मैं आपको, और दर्शन हो गए हैं तो कमेंट में लिख दो हर हर महादेव, ठीक है। यहाँ पे ढोल बजा रहे हैं कुछ लोग और डांस कर रहे हैं, वो दिखाता हूँ मैं आपको, गरबा गुजराती लग रहे हैं ये लोग। आपको
आपको मंदिर दिखा दिया है और लोगों को देख ही लिया आपने कितने ज़्यादा खुश हैं मौसम साफ होने की वजह से। डांस कर रहे हैं, भांगड़ा कर रहे हैं, गरबा कर रहे हैं लोग, ठीक है। और अब चलते हैं हम भैरव बाबा के दर्शन कराते हैं आपको, और बताता हूँ कि भैरव बाबा पे अभी क्या मतलब जो रास्ता है क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है रास्ता क्लियर नहीं था, और अब देखते हैं रास्ता क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। तो ये है वो पुल, इस पुल को क्रॉस करके ही जाओगे आप भैरव बाबा के लिए। पुल काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी शानदार है, फोटो लोग खिंचवाते हैं, देख सकते हो आप, है ना। तो काफ़ी अच्छा है, और ऊपर में जो देखोगे ना आप, वो जो देख रहे हो ना पहाड़ी, और उसके पीछे वहाँ देख रहे हो, वहाँ से आया था सुनामी, जो 14 बारी लेक बोलते हैं। तो जैसा मैंने बोला था, आप पुल क्रॉस करोगे तो आपको अलवर भंडारा दिखेगा, जो कि छठा विशाल भंडारा है, ठीक है। और यहाँ पे बनता है भंडारा, यहाँ पे बर्तन धुलने के लिए है, ये यहाँ पे भंडारा चलता है, यहाँ से लोग खाने के बाद चले जाते हैं ऊपर भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। तो चलो हम भी चल रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। यहाँ पे लिखा हुआ है श्री भैरव मंदिर मार्ग, तो ये जा रहा है रास्ता, ठीक है। तो जब आप भैरव बाबा के लिए जाओगे ना, तो आपको काफ़ी सारी बर्फ़ देखने को मिलेगी, और लोग यहाँ पे बर्फ़ पे स्लाइड करते हुए दिखेंगे। तो चलो चल के दिखाता हूँ मैं आपको। और भैरव बाबा पे अभी भी बर्फ़ पड़ी हुई है मार्ग पे, देख सकते हो। और ये भाई जो है ना, कोशिश कर रहे हैं इसको हटाने की, क्योंकि अभी 2 दिन पहले भी हो गई ना स्नोफॉल, इसलिए काफ़ी ज़्यादा गिर गई है ना। हाँ हेलो भैया, तो भैया लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और ऊपर देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है, और कुछ लोग हैं जो मज़े कर रहे हैं। वो देखो ये भाई कैसे स्लाइड कर रहा है, वो देखो ये। और गाइस, जब भी आप भैरव बाबा की ट्रैकिंग करेंगे ना जाने के लिए, तो प्लीज़ धीरे धीरे जाएँ, क्योंकि काफ़ी खड़ी चढ़ाई है एकदम से, और हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, इस बात का ध्यान रखना। और नीचे का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, केदार घाटी कैसी दिखती है। तो वहाँ पे है हेलीपैड, और वहाँ से यहाँ तक आके आपको देखने को मिल जाएगा, फिर यहाँ पे आपको दिखेंगे भोले बाबा अपने बैठे हुए हैं वहाँ पे। सामने पूरी केदार घाटी है, और हम जा रहे हैं अभी भैरव बाबा के लिए, ठीक है। देखो छोटे छोटे बच्चे भी आने लगे हैं अब, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब, क्योंकि मौसम साफ हो गया है। और ये जो स्नो देख रहे हो ना ऊपर से, जब ऐप लॉन्च होता है तो इसी रास्ते पे आ जाता है, तो ये भी ठीक है, धूप निकलेगी तो ये नीचे आएगा ही आएगा। फाइनली पहुंच गए हैं भैरव बाबा के मंदिर, आप देख सकते हो सामने में है भैरव बाबा का मंदिर, और पहुंचते हैं, और उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको कि केदार बाबा का मंदिर ऊपर से कैसा दिखता है भैरव बाबा की चोटी से। और सामने बैठे हुए हैं भैरव बाबा, दिखाता हूँ, यहाँ ज़्यादा लोग नहीं है क्योंकि जल्दी से लोग आते भी नहीं, कुछ लोग नीचे से लौट जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप आ रहे हो तो अपनी यात्रा पूरी करें, भैरव बाबा के दर्शन करें। तो कर लो गाइस भैरव बाबा के दर्शन, ठीक है। और आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ से केदारनाथ बाबा का टेम्पल जो है वो कैसा दिखता है। और यहाँ देखो, यहाँ बैठे हैं हमारे भोलेनाथ, देख रहे हो ना, ये देखो, ठीक है। तो गाइस फाइनली मैंने आपको मंदिर दिखा दिया, केदार बाबा के दर्शन करा दिए हैं, और भैरव बाबा के भी दर्शन करा दिए हैं। और इस व्लॉग में इतना ही था, व्लॉग अच्छा लगे तो ठीक है, समझते ही हो क्या करना है, ठीक है। ओके टाटा, बाय बाय।